जाऊंगा। मैं उसी क्वालिटी से आपके साथ भी बिल्कुल ऑनेस्ट रहता हूँ यहाँ पर भी, कि जितनी चीज़ें मैं वहाँ देता हूँ उतनी चीज़ें मैं आपको दूँ। इसी वजह से पहले जो क्लास का जो शेड्यूल बना था उसमें पहले ही मैंने बोल दिया था कि जो आप एक टॉपिक का शेड्यूल 3 दिन का बनाते हो, मैं 3 दिन में ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, वो ख़त्म मैं अपने ही अकॉर्डिंग करूँगा। मैं 3 दिन में ख़त्म कर दूँ आपको समझ में ही ना आए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है वैसे में। तो मैंने पहले ही सर को बोल दिया था कि, तो सर ने बोला था कि हाँ ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे उसके हिसाब से, है ना। तो मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ चीज़ों को करवाने में, लेकिन मुझे मेरा ये मानना है कि आपको वैसे हिस्ट्री से बहुत बच्चे पके रहते हैं, थके रहते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आपको चीज़ें समझ में आए, है ना। और कम से कम 1 साल का कोर्स तो होना ही चाहिए, है ना, कम से कम 1 साल का कोर्स होना ही चाहिए, तभी जाकर चीज़ें सही तरीके से हो पाती। तो मैं कई बार शिकायत भी करता हूँ कि सर क्लासेस सही से नहीं चल रही है, और मैं इस बार मिलूंगा मैडम से जाके, अगर इस बार उन्होंने मुझे बुलाया इंटरव्यू जैसी चीज़ों के लिए, तो मैं बोलूँगा मैं नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि ये सही से चलता नहीं है सिस्टम। पहले सिस्टम सही से चलाओ तभी हो पाएगा, नहीं पैसे में, है ना। देखो आपके पास 3000 बच्चे थे, आज कितने हैं, 30 भी नहीं, एनरोल है 30,000 स्टूडेंट लगभग ISP क्लास में हमारे पास। तो वो कई सारी गलतियाँ ऐसी छोटी मोटी करती, कोई बात नहीं, हैंडल करेंगे उन सब चीज़ों को, है ना। जितना मौका मिलता है उतना ही पढ़ते हैं, वो 3 इडियट मूवी में कहता था ना, जहाँ मौका मिले पढ़ लो बैठ आज इधर मौका मिल रहा है इधर पढ़ लो, कल उधर मौका मिल रहा है उधर पढ़ लो। तो लास्ट हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया नहीं था, शायद कर लिया था क्या? मैं एक छोटे से फॉर्मेट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों ने महमूद गजनी को किया था, हम लोगों ने मोहम्मद गोरी को किया, मोहम्मद गोरी को किया था ना शायद, तराइन की लड़ाई करी थी ना, yes, तराइन की लड़ाई, चंदवरदाई नाम सुना था, yes, चंदवरदाई, पृथ्वीराज राठौर ने सुना था, yes, पृथ्वीराज विजय सुना था, अच्छा पृथ्वीराज चौहान की कोर्ट में 2 पोएट रहते थे, एक चंदवरदाई और दूसरे जैनक, है ना, 2 कोर्ट पोएट थे उनके, चंदवरदाई एंड जैनक। चंदवरदाई ने एक बुक लिखी पृथ्वीराज रासो, एंड जैनक ने बुक लिखी पृथ्वीराज विजय, है ना। ये 2 बुक है जो UPSC में नहीं आना है, अब PCS में कहीं आ सकता है ना, क्योंकि UPSC में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको पता नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान की लाइफ से रिलेटेड, उसकी पूरी की पूरी लाइफ जर्नी, जो पृथ्वीराज संयोगिता की जो कहानी है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें पृथ्वीराज रासो से मिलती है। पृथ्वीराज संयोगिता की कहानी, जयचंद के साथ उनकी दुश्मनी, तराइन की लड़ाई, तराइन की दोनों लड़ाई, ये सारी की सारी स्टोरी पृथ्वीराज रासो से मिलती है। पृथ्वीराज विजय में भी यही कहानी है, यही स्टोरी है, लेकिन थोड़े से अलग फॉर्मेट में। तो ये हमारी तराइन की 2 लड़ाई है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की डिफीट हुई एंड मोहम्मद गोरी की दूसरी लड़ाई में विक्ट्री हो गई। मोहम्मद गोरी ने अपने स्लेव, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट किया फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, लाहौर से लेकर दिल्ली तक का जो रीजन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दी, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से दिल्ली तक, और मोहम्मद गोरी के ही एक और स्लेव थे जिनका नाम था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आगे की विक्ट्री के लिए दिल्ली से ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, दिल्ली से पूरब की तरफ के लिए, दिल्ली से ईस्ट के लिए उन्होंने जिस पर्सन को अपॉइंट किया उनका नाम था खुद बख्तियार खिलजी, और लाहौर से दिल्ली तक का रीजन कुतुबुद्दीन ऐबक। 1192 की स्टोरी है ना, 1192। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हमारी दिल्ली है, है ना, ये हमारी दिल्ली है, और ये हमारा कन्नौज है ना, ये कन्नौज है। अब ये कन्नौज में हम लोगों ने डिस्कस किया था उस दिन, ये कन्नौज में गहडवाल डायनेस्टी, गहडवाल है ना, ये गहडवाल डायनेस्टी है, हिंदी लिख रहा हूं, गहडवाल, ये गहडवाल डायनेस्टी है, एंड द किंग वॉज जयचंद,
है ना, जो किंग है, जो राजा है, उनका नाम है जयचंद। इतनी इंग्लिश तो आप ट्रांसलेट कर ही लोगे मुझे उम्मीद है। अब फिर एक दूसरी लड़ाई है 1194, है ना। मोहम्मद गोरी का क्या था कि मोहम्मद गोरी को अफगानिस्तान से ज्यादा प्यार था, है ना, अफगानिस्तान, इन्हें अफगानिस्तान से ज्यादा प्यार था। तो ये क्या होता था कि ये ऐसे जाते थे और ऐसे वापस लौट के आ जाते थे, है ना। इन्हें दिल्ली वाले दिल से बहुत ज्यादा प्यार नहीं था। लेकिन ध्यान रखना है, महमूद गजनी एंड गोरी में एक डिफरेंस कि महमूद गजनी ने अटैक किया, उनका पर्पस था लूट, मोहम्मद गोरी का पर्पस था एक्सपेंशन करना, अपना विस्तार करना। तो उनकी डायनेस्टी का एक्सपेंशन यहां तक हुआ है ना। उसका क्वेश्चन मैप के आधार पे क्वेश्चन पूछते हैं, मालूम मैप में आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1192 में महमूद गजनी, महमूद गोरी की डायनेस्टी कहां तक है, तो महमूद गोरी की डायनेस्टी यहां तक है ना। ये अब यहां से क्या है हमारा, देखो किस किस पार्ट की विक्ट्री हुई थी, ये दिल्ली और यहां पर ये जयपुर है हमारा, और यहां पर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो ये हमारा अजमेर है, है ना। तो अभी जो उनका एरिया है नीचे, गुजरात की विक्ट्री अभी नहीं हो पाई है, वो आगे होगी, है ना, अभी गुजरात का रीजन नहीं है। तो ये हिस्ट्री में हमें थोड़ा सा मैप को भी कंसीडर करना होता है कि 1192 में महमूद गोरी, जो मोहम्मद गोरी है, उसकी टेरिटरी क्या है, दिल्ली, जयपुर एंड अजमेर, ये पूरा रीजन है। अब 1194 की बात करते हैं, एक बार फिर से मोहम्मद गोरी आते हैं और अब इसकी विक्ट्री होती है ना। अब यहां की विक्ट्री होती है, जो जयचंद है हमारे, कौन सी लड़ाई है, चंदावर की लड़ाई है ना, चंदावर, CHANDAVAR, बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर की जो बैटल हुई है उसमें मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद, उन्होंने जयचंद को हराया। जयचंद गढ़वाल डायनेस्टी के हैं और इन्हीं की डॉटर थी संयोगिता, जिसके बारे में हम लोगों ने काफी कहानी सुन रखी है पहले से। फिर इसके बाद मोहम्मद गोरी कई बार भारत में आए, है ना, लगभग 5 to 6 times। अब ये इंपोर्टेंट नहीं है हमारे लिए कितनी बार आए, जैसे महमूद गजनी के लिए इंपोर्टेंट है कि उन्होंने 17 times भारत पर अटैक किया था, वैसे इनके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, है ना, कि 5 to 6 times में कितने टाइम आए, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए एग्जाम में। अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन सेट करने वाला बिल्कुल नालायक है, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी वाले नहीं पूछेंगे, कभी गलती से पीसीएस में आ जाए तो, है ना, तो इनको प्रणाम कर लेना अच्छे से, है ना, प्रभु आप धन्य हो, है ना, कभी हम आपके दर्शन करने आएंगे। तो 5 to 6 times इन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया, बार बार ये आते थे, कुछ विक्ट्री करते थे, यहाँ से चले जाते थे, इनका मन अपने अफगानिस्तान में ही लगता था, उधर मस्त वो, है ना, वो पीते थे उधर क्या अनार का जूस, है ना, मैं आप लोग कुछ और सोच लिया क्या आपने, नहीं, यही कुछ अनार का जूस ही सोचना है, ठीक है। तो 1206 में महमूद, जो मोहम्मद गोरी है, उनकी डेथ हो गई, यही हुई ना लगभग 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई, इसी ईयर में मरे ना, पक्का सोच लो, छोड़ दो 1204 को, छोड़ दो, हाँ 1204 बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है, 1206 ही याद रखना हमें। अब 1206 में मर गए बेचारे, है ना, कैसे मरे छोड़ दो, है ना, कैसे मरे डिस्कस नहीं करना है हमें। ऐसे कुछ कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि ये जो बाउंड्री रीजन है यहाँ पर, अफगानिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री है, पाकिस्तान वाला रीजन है, वहां पर एक कम्युनिटी रहती थी, खोखर कम्युनिटी, है ना, कभी आपसे पूछने क्वेश्चन तो ध्यान रखना है, खोखर एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी, खोखर, है ना। तब वो लड़ाई लड़ते लड़ते मोहम्मद गोरी बहुत थक गए थे, कितना लड़ोगे आप, है ना, लड़ते लड़ते इधर घाव इधर घाव इधर इधर उधर हर जगह, है ना, तो वो बेचारे बहुत थक गए थे, तो अचानक खोखरों ने एक उनके ऊपर अटैक किया, वो जब जा रहे थे उधर से काम तमाम कर दिया उनका, है ना, निपटा दिया बिल्कुल उनको। तो एक बार क्वेश्चन कहीं आया हुआ है कि खोखरों के साथ उनकी कंफ्लिक्ट हुई थी जिसमें उनकी डेथ हो गई थी 1206 में। अब मरने से पहले किसी ने एक दिन उनसे पूछा था, है ना, कि आपने तो ऐसे आपकी कोई प्रॉपर शादी नहीं हुई, है ना, इसलिए हंसी आई थी थोड़ी,
प्रॉपर आपकी शादी नहीं हुई है, इम्प्रॉपर तो आपकी बहुत सारी शादियां हुई होंगी तो प्रॉपर नहीं हुई है तो आपके बाद आपका सक्सेसर कौन होगा, है ना, कौन होगा। मैं ऐसे थोड़ा सा फनी लैंग्वेज यूज कर लेता हूँ ताकि आप नींद से जग जाओ, है ना। ऐसे इनको अपने दिल पे नहीं लगाना है, इधर ऐसे दिल ऐसे ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं, ये क्या बोल दिया, है ना। तो इसको बस थोड़ा सा फनी लैंग्वेज में समझना है, हिस्ट्री वैसे बहुत पकाती है हमें। तो कोई वैलिड चाइल्ड नहीं था इनका जो इनके बाद इनका उत्तराधिकारी बने। तो कुछ लोगों ने इनसे क्वेश्चन पूछा होगा, हमारे यहाँ पूछते रहते हैं, अबे तेरा कोई बेटा है ही नहीं, कौन बनेगा तेरा, है ना, तेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो हम इसीलिए तो बेटियों को मार देते हैं, यही तो है रीजन, बेटियों को मारने के पीछे रीजन यही तो है, बेटी हुई दबा दिया, पहले पता चल गया तो पहले दबा दिया। आजकल के समय में यही तो होता है, अब थोड़े से हम समझदार हो गए हैं तो मान लेते चलो कोई नहीं, बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं। तो उस समय उनका कोई ऐसे पुत्र नहीं था पहले, तो उनसे किसी ने पूछा था, ये क्वेश्चन था यूपीएससी का, कि उनसे किसी ने पूछा था कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, है ना। तो उन्होंने कहा था कि माई स्लेव्स आर लाइक माई चिल्ड्रेन, मेरे गुलाम मेरे पुत्र की तरह है, है ना, मेरे गुलाम मेरे पुत्र की तरह है, एंड वही मेरे सक्सेसर बनेंगे, है ना, वही मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे, ये उनका कहना था। तो इस लाइन को समझाने के लिए मुझे इतनी कहानी बनानी पड़ी। तो मेरे जो गुलाम है, my slaves are like my children, मेरे गुलाम मेरे पुत्र की तरह है और वही मेरे बाप मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे, ठीक है। तो इनके गुलाम कौन कौन से थे, तो एक दो का नाम हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो बाकी हम इल्तुतमिश के समय में एक दो के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हमारा जो एरिया है यहाँ पर, ये पूरा एरिया थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे, है ना, ये छोटा सा एरिया 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से दिल्ली तक का जो रीजन है उसका वो इंडिपेंडेंट किंग बन गए। ध्यान रखना है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक किंग बने थे उस समय वो गुलाम थे, है ना, उस समय वो गुलाम थे, या इस डायनेस्टी के जो किंग हैं वो मैक्सिमम किंग कभी अपनी लाइफ में स्लेव थे, सो हम इस डायनेस्टी को कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, है ना। ये पहली दिल्ली सल्तनत की बात कर लेते हैं, तो हमारी जो पहली डायनेस्टी होगी वो स्लेव डायनेस्टी होगी, गुलाम वंश, पहली डायनेस्टी हमारी होगी गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। या कई कई बार एक और नाम यूज किया जाता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको शायद याद होगा कि ये भारत की तरफ जो एक्सपेंशन होगा उसमें जो कम्युनिटी होगी वो होगी टर्किश कम्युनिटी, इसलिए हम इसे टर्किश इन्वेजन भी कहते हैं, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। ये जो टर्किश है उनकी भी कई कई सब कास्ट थी, सब कैटेगरी थी, उसी में से एक कैटेगरी थी जिसे हम कहते हैं इलबरी। ये क्वेश्चन यूपीएससी का भी पूछा गया है, बीसीएस ने भी पूछा है, तो हम इसे गुलाम डायनेस्टी या इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं, ILBARI, इलबरी। इलबरी डायनेस्टी पहली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत में हम आगे कई सारी डायनेस्टी की बात करेंगे, जो पहली डायनेस्टी है उसका नाम है स्लेव डायनेस्टी, क्यों रीजन मैंने डिस्कस किया। इलबरी क्या है, टर्किश कम्युनिटी से रिलेटेड एक सब कास्ट है, सब कैटेगरी है ना, सब कैटेगरी है, इसलिए हम कहते हैं इलबरी। इस इलबरी के अंदर एक और सब कैटेगरी थी जिसे हम कहते थे मामलुक, है ना, उसके अंदर मामलुक, MAMLUK, मामलुक। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी के पूछे हुए गुलाम क्यों कहते हैं, इलबरी क्या है, टर्किश के अंदर एक सब कैटेगरी है ना, तुर्की संप्रदाय के अंदर एक सब कैटेगरी है जिसे उप संप्रदाय हम कहते हैं, है ना, हम उसे उप संप्रदाय कहते हैं। तो एक उप संप्रदाय है हमारा इलबरी, उस उप संप्रदाय के अंदर एक और उप संप्रदाय था जिसे हम कहते थे मामलुक। तो ये तीनों का तीनों नाम हमारे पास आता है, गुलाम, इलबरी और। अब इनकी टाइमिंग क्या हो जाएगी हमें ये भी देख लेना, 1206 to 1290, 1206 से 1290 मामलुक नहीं, यहाँ पूरा ये स्लेव डायनेस्टी, पूरा स्लेव, इलबरी और मामलुक डायनेस्टी।
अब ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आता है कि कितना कौन सा ईयर है आपको मैच करना है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी वाले नहीं पूछते। 20 इतनी कहानी जो मैंने बनाई, अभी चाय मंगानी पड़ेगी। वो ऐसा होता है ना, आपको जैसे ही आपका मुंह खुला मेरी नजर पर पहुंच जाती, पता नहीं कैसे है ना, तो फिर कहीं से चूहा ही पकड़ के रखना होता है, जैसे ही मुंह खुला चूहा डालो। तो एक बार क्वेश्चन ये कई सारे डायनेस्टी हमारी हो जाएगी, गुलाम के बाद हमारी खिलजी होगी, खिलजी के बाद हमारा तुगलक होगा, तुगलक के हमारा सैयद होगा, सैयद के बाद हमारी लोधी डायनेस्टी होगी। तो क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि कौन सी डायनेस्टी ने सबसे लंबे समय तक रूल किया था, कौन सी डायनेस्टी ने सबसे कम समय तक रूल किया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं आएंगे कि किस डायनेस्टी की टाइमिंग क्या क्या है ना, लेकिन एक समझने के लिए हमें ये टाइमिंग को थोड़ा बहुत याद रखने की जरूरत होती है। तो 1206 से 1290 तक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तीन चार चीजें होती हैं, तीन चार पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें पढ़ लेना होता है, बस उतना को हमें समझना है। एक, इन्हें हातिम कहा गया है ना, हातिम सेकेंड की टाइटल है ना, इनकी टाइटल क्या है, हातिम सेकेंड, उपाधि, टाइटल समझते हो ना, क्यों मिली है हातिम, क्योंकि हातिम देखा है ना आप लोगों ने, हातिम ताई वाला, तो वो हातिम कैसा होता था, बड़ा काइंड हार्टेड होता था है ना, बड़ा दयालु होता था, काइंड हार्टेड होता था, ये भी बड़े काइंड हार्टेड थे है ना, ये भी बड़े काइंड हार्टेड थे, तो इसलिए इनकी भी टाइटल थी हातिम, इनको हमने हातिम सेकेंड कहा, ठीक है। दूसरी टाइटल इनकी थी, पहले टाइटल निपटा लेते हैं है ना, दूसरी टाइटल इनकी थी लख बख्श, बक्स, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो कि LAKH BAKF है, लख बख्श, लख बख्श क्यों थी टाइटल इनकी, हमारे लिए PCS का क्वेश्चन क्या है, टाइटल क्या है, लेकिन UPSC का क्वेश्चन क्या है, क्यों है ना, ये बड़े दान देते थे, बहुत पैसे थे इनके पास है ना, बड़ी मात्रा में दान देते थे, लाखों में देते थे, तो लाख, हाँ जी, नहीं नहीं, आपने यहाँ पर जो बात करना है ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था मैंने, मैं पहले किन की बात कर रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहा हूँ है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक पहले किंग होंगे है ना, और इनकी टाइमिंग होगी 1206 to 1210, ठीक है, मतलब दिल्ली सल्तनत, पहले एक काम करते हैं है ना, पहले एक काम करते हैं, थोड़ी सी चीज यहां पर कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंदर लिख लो सबसे पहले, पहली डायनेस्टी गुलाम डायनेस्टी है ना, उसके बाद लिख लो खिलजी डायनेस्टी, साइड में लिख लो आप गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी लिख लो KHALZI या JI, खिलजी, तीसरी आ जाएगी हमारी तुगलक, TUGHLAQ, तुगलक, फिर आ जाएगी हमारी सैयद, SAYYAD, सैयद, हिंदी वाले लिख लोगे सैयद, और फिर आ जाएगी हमारी लोदी, LODHI, लोदी, लोदी या लोधी कहते हैं है ना, लोदी। तो अब हम सबसे पहले वन बाय वन हम इन सबको पढ़ेंगे, पहली डायनेस्टी है हमारी, उस डायनेस्टी के बारे में हमने उसे कहा गुलाम, इलबरी और मामलुक, पहली डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का जो पहला पर्सन है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम मैं छोड़ देता हूं लेकिन चलो लिख ही देता हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक, QUTUBUDDIN, AEBAK, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की ये टाइमिंग है 1206 से 1210, ये टाइमिंग है कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनके बारे में तीन चार चीजें हैं, तो पहली चीज हमने इनकी टाइटल डिस्कस करी, इनकी उपाधि, इनकी टाइटल, इनकी उपाधि, पहली उपाधि हमने क्या दी इनको, हातिम सेकेंड है ना, दूसरी उपाधि हमने दी इनकी क्या, लख बख्श, दो उपाधि है इनकी, दो टाइटल है। इसके अलावा एक और चीज यूपीएससी ने क्वेश्चन के रूप में पूछा था, इनके नाम का मतलब क्या होता है ना, गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता, कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, गॉड ऑफ मून,
चंद्रमा का देवता, ऐबक का मतलब होता है, ध्यान रखना। हाँ नहीं, इलवरी के अंदर सब कैटेगरी थी मामलुक, ठीक है। अब हमने यहां पर पहली चीज हाथी, फिर हमने कहा लाख बक्स, हिंदी भूल जाता हूं मैं कभी कभी। अब एक चीज और यहां पर इंपोर्टेंट है, ये हातिम किसने कहा इन्हें, हातिम की टाइटल इन्होंने इन्हें किसने दी है? उस समय के एक हिस्टोरियन होते थे जिनका नाम था मिनहाज उस सिराज, MINHAS, मिनहाज उस US, उस SIRAJ, मिनहाज उस सिराज ने यह हातिम की टाइटल दी। अब लाख बक्स किसने दिए पता नहीं, आइडिया नहीं है कुछ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वन टू जीरो एट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी साल वो स्लेवरी से फ्री हो गए, है ना? इसी साल 1208 में ही बिकेम फ्री फ्रॉम स्लेवरी, वह गुलामी से उनको आजादी मिल गई। 1208 में जब वो राजा बन रहे थे तो क्या था, वो गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गोरी के गुलाम थे, स्लेव थे। लेकिन राजा बनने के 2 साल के बाद किसने, आपको पता होगा गुलामी के बारे में कि गुलामी से फ्री कौन करता है, कुछ तरीके होते हैं गुलामी से फ्री करने के। या तो मान लो कि आपने किसी से कर्ज दे रखा है, आप गुलाम बन गए उसके, आप कर्ज के पैसे दे दो आप फ्री। या फिर उस परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर ये कह दे कि आज से तू गुलामी से फ्री है तो वो गुलामी से फ्री है। तो मोहम्मद गोरी की तो डेथ हो गई थी लेकिन उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग थे, उनके चाचा ऐसे है ना, वो सब लोग थे, उनमें से किसी ने इन्हें गुलामी से फ्री कर दिया था। तो 1208 में क्या है, ये गुलामी से इंडिपेंडेंट हो गए, फ्री हो गए। नेक्स्ट, इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया, पता ही होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया। पहला कंस्ट्रक्शन अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मॉस्क है, मस्जिद है, मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा, दिन, वो ऐसा माना जाता है कि वो 2.5 दिन में बन गया, इसलिए उसे 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके बाद दिल्ली में एक मस्जिद उन्होंने बनवाया जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत AUWW, हाँ, कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत KUWWAT, कुव्वत उल इस्लाम को लिखे लोगे आप लोग। इसके अलावा दिल्ली में आपको पता है कुतुब मीनार में किसी एक सूफी सेंट के सम्मान में ऑनर में बनाया गया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके सम्मान में, उनके ऑनर में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन हुआ। 3 कंस्ट्रक्शन है, पहला अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, दूसरा दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, और थर्ड कुतुब मीनार, किसके सम्मान में, किसके ऑनर में, सूफी सेंट कौन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो आप, क्या रिलेशनशिप ऐसे कुछ नहीं था, जैसे है ना कि वो एक सूफी संत को बहुत सम्मान दिया जाता है ना, उस समय जब सूफिज्म की शुरुआत हुई थी
और सूफी आज भी आप देखोगे कि कई जगह पर सूफी संतों की मजार बनी होती है, हम उनको चादर चढ़ाते हैं, है ना। तो ये चादर चढ़ाने के लिए ऐसे किसी संबंध की, किसी रिलेशनशिप की जरूरत नहीं होती है, उनका सम्मान होता था, उनको ऐसा माना जाता है कि वो बड़े पूजनीय होते थे, तो उनका लोग सम्मान करने के लिए उनकी याद में इस तरह की चीजें करवाते हैं। तो ये तीन कंस्ट्रक्शन है इनके, है ना, एक अजमेर में और दो दिल्ली में। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट चीज है इनके बारे में कि इन्होंने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाई, लाहौर को इन्होंने अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी बनाई, और दिल्ली मिलिट्री कैपिटल है, सैन्य राजधानी, ध्यान रखना है, दिल्ली कैपिटल है एंड सॉरी लाहौर कैपिटल है एंड दिल्ली मिलिट्री कैपिटल। वन टू वन जीरो में इनकी डेथ हो गई थी, कैसे पता नहीं आप लोगों को, 1210 में वो घोड़े पे बैठ के वो एक खेल है ना, हम लोग प्ले पता नहीं क्या है इनको, कुछ अजीब तरह के खेल होते हैं दुनिया में, घोड़े पे बैठ के बॉल को मारना डंडे से, है ना। अबे इतना खतरनाक खेल क्यों खेलता है भाई तुम सब। तो जो भी है उसे हम कहते थे चौगान, है ना। तो ही डाइड ड्यूरिंग प्लेइंग चौगान, चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई, घोड़े से गिर पड़े, है ना, घोड़े से नीचे गिर गए, इनकी डेथ हो गई भाई, पता नहीं चोट लग गई हो। अब ऐसा हमारे यहाँ जो हिस्टोरियन है ना वो बड़े महान है, बड़े फनी है, कभी कभी लिखते हैं अजीब अजीब बातें कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनका भी कोई वैद्य उत्तराधिकारी उस समय कोई पुत्र नहीं था उनका, है ना। कुछ हिस्टोरियन की बात कर रहा हूँ, दो तरह के व्यू हैं। तो एक बड़ा फनी अंदाज में लिखते हैं कि उनका कोई पुत्र था नहीं, तो जब वो मर गए घोड़े से गिर गए, है ना, तो इस हमारे यहाँ क्या है सिस्टम कि अगर कोई जेसीबी कहीं खुदाई करने के लिए पहुंचा, 40-50 लोग देख रहे हैं वहां पर, है ना, हमारे यहाँ बड़ा अजीब सिस्टम है, लोगों के पास बिल्कुल फ्री है लोग, है ना, जेसीबी है ना, कोई कुत्ता मर गया है लोग 20-30 देखने के लिए खड़े हैं, क्यों मरा कैसे मरा, तो ये सिस्टम है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर मर गए, कुछ लोग देखने के लिए जमा हो गए वहां पर, है ना, तो लोग देख भी रहे हैं और ये भी बातचीत चल रही है, अबे अगला राजा कौन बनेगा, है ना, ये भी बातचीत चल रही है साथ साथ, इनका तो कोई पुत्र है ही नहीं, तो कौन बनेगा अपना राजा। तो उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया, अच्छा ढूंढो यहाँ पर सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है। तो एक बंदा वहां पर सबसे सुंदर नजर आया जिसका नाम था आराम शाह, आराम शाह, है ना। तो नेक्स्ट किंग जो हमारे बने वो है आराम शाह। कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि वो आराम शाह उनका पुत्र नहीं था, वो सुंदर व्यक्ति था जिसे बना दिया गया राजा, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं उनका पुत्र था। हमें झगड़े में नहीं फंसना है, आराम शाह लिख लोगे ना, थोड़े से समय के लिए रहे, आराम तलब थे बहुत, उनको आराम करना बहुत पसंद आता, जैसा नाम वैसी करनी। हमारे साथ क्लास में करता फटा उसका नाम था कलेक्टर तिवारी, है ना। तो आराम सा 1210 से 1211 1210 1211 उसी समय हमारे यहां पर एक जगह है बदायूं, नाम सुना होगा, बदायूं का गवर्नर होता था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर होता था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ऑलरेडी मोहम्मद गोरी का स्लेव था, लेकिन वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, ध्यान रखना है हमें, है ना, कि कुछ लोग बड़े राइज करते हैं, है ना, है तो स्लेव लेकिन उनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि वो राइज कर जाते हैं और बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। तो
उस समय जब मोनार्कियल सिस्टम है, आज तो डेमोक्रेसी है, कोई भी प्रेसिडेंट कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, उस समय जब मोनार्कियल सिस्टम था तो उस समय तलवार के बल पर ही राजा बनते थे, जिसकी तलवार में और जिसकी बाजुओं में ज्यादा शक्ति है ना, जिसकी तलवार ज्यादा शाइनी है और बाजुओं में ज्यादा शक्ति है वही अगला राजा। तो बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने आराम शाह को रिप्लेस किया, आराम शाह को इन्होंने एक दिन से हराया, मार दिया है ना, आराम शाह को रिप्लेस किया एंड बिकेम किंग। ठीक है, तो ये जो हमारे राजा बने वो 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 6 नहीं, इनकी आराम करते थे ये उपलब्धि थी है ना, ये बहुत आराम करते थे ये इनकी उपलब्धि थी। कभी कभी आपको देखोगे किसी बुक में 1210 की मिल जाएगा है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ थोड़े से इस तरह से तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कभी एग्जाम में, तो 1210 या 1211। अब ये इल्तुतमिश है तो ध्यान रखना है। अब वन बाय वन सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं जो यूपीएससी ने क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा या उनसे रिलेटेड इंपोर्टेंट है। राजा बनने से पहले वो बदायूं के गवर्नर है ना, बदायूं के अब YALDOJ यादोज एंड कुबाचा KUBACH कुबाचा, ये दो देखो जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिपेंडेंट हुए थे उसी समय दो और पर्सन इंडिपेंडेंट हुए थे और उन्होंने अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी थी, यादोज ये काबुल है ना, काबुल में यादोज एंड सिंध में कुबाचा, काबुल और कांधार मान लो एक ही है, अफगानिस्तान वाला रीजन है, आप समझ लो कि अफगानिस्तान वाला जो रीजन था वहां पर यादोज, सिंध वाला जो रीजन था वहां पर कुबाचा, और भारत वाला जो रीजन था वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग किंग बने। अब यहां पर भारत में आ गए हमारे पास इल्तुतमिश, IL TUTMIS अब जब इल्तुतमिश किंग बने तो इनको एक प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम इनको हुई यादोज से है ना, यादोज से इनको प्रॉब्लम हुई, तो इन दोनों के बीच में सबसे पहली चीज क्या हुई कि इल्तुतमिश को यह लगा कि अगर उससे प्रॉब्लम है तो क्या करें, सबसे पहले कैपिटल को शिफ्ट कर देते है ना, तो इससे प्रॉब्लम की मदद से इन्होंने अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया है ना, पहली चीज शिफ्टेड इस कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, क्यों, क्योंकि यादोज से प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, यादोज देखो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पास में थोड़ा ही पास में लाहौर है ना, तो वो कभी भी ऐसे थोड़ा उछल कूद करता कूद के बैठ जाता लाहौर है ना, लगा कि दिल्ली तक पहुंचने के लिए दो बार छलांग लगानी पड़ेगी, तो एक बार तो मेघर की तरह लगाएगा, दूसरी बार लगाएगा तो पकड़ लेंगे है ना, तो उसने उसे शिफ्ट कर दी कैपिटल। अब इनकी कैपिटल क्या हो गई, दिल्ली हो गई। इससे भी लड़ाई शांत नहीं हुई, दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ तराइन थर्ड, तराइन की तीसरी लड़ाई, डेट याद करना जरूरी नहीं है, बस ये मानना है तराइन की तीसरी लड़ाई में इल्तुतमिश डिफीटेड यादोज, इल्तुतमिश डिफीटेड यादोज इन छोटे क्या छोटे पूछोगे तभी तो पता चलेगा ये क्या है। मैं कह रहा हूं कि हमने भारत में इल्तुतमिश को राजा बनाया, ठीक है, भारत में उसी समय यादोज कहां का राजा है, अफगानिस्तान का, और कुबाचा कहां का राजा है, सिंध का,
इतनी ही चीज लिखी है भारत का मैप इधर मैप थोड़ा बहुत तो आपने देखा ही होगा ना, इधर भारत उसके सर के पास थोड़ा सा ऐसे कर लो तो पाकिस्तान, थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ कान के पास तो अफगानिस्तान है ना। तो अफगानिस्तान में यह है काबुल, गजनी और कांधार, यहाँ का राजा है यालगौज, और पाकिस्तान वाला जो रीजन है वहां पर है सिंध, वहां का राजा कुबाचा, और भारत के अंदर इल्तुतमिश। बस अब ये बार बार यालगौज बार बार इल्तुतमिश को आंख दिखा रहा है ना, तो क्या करे उससे सबसे पहला काम क्या किया, लड़ाई से बचने के लिए एक काम करते हैं यार, कैपिटल हटा देते हैं है ना। तो इसने अपनी कैपिटल कहां बनाया, सही है दिल्ली, तो इसने अपनी कैपिटल पहले कहां थी कैपिटल लाहौर, अब इसने दिल्ली बना ली, क्यों, क्योंकि ये आंख दिखा रहा था बहुत तेज। फिर क्या हुआ, इसके साथ एक लड़ाई हुई तराइन की, दूसरी तीसरी लड़ाई है ना, तराइन की तीसरी लड़ाई, तराइन पता नहीं हिंदी अपने कंफ्यूज आते, ये शायद सही है क्या, क्या था ऐसे वाले कैसे वाले, अरे थैंक यू, ये सही है, ये सही है। तो तराइन की तीसरी लड़ाई ध्यान रखना है, पहली दूसरी तो हमने पढ़ी थी ना, पहले दूसरी याद है 1191-1192 तराइन की दो लड़ाई, तराइन की तीसरी लड़ाई है जिसमें इल्तुतमिश ने किसको हराया, यालगौज को हराया, इल्तुतमिश डिफीटेड यालगौज इन बैटल ऑफ तराइन थर्ड। अब इसकी कहानी खत्म है ना, इसकी कहानी खत्म। अब दूसरी प्रॉब्लम थी कुबाचा है ना, तो क्या हुआ इन दोनों के बीच भी एक लड़ाई, यूपीएससी ने क्वेश्चन कभी यूपीएससी बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछता जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, इन दोनों की इल्तुतमिश की इसके साथ भी हर लड़ाई हुई है ना, इसके साथ लड़ाई हुई तो पता नहीं कैसे लड़ाई करी इसने, ये हार गया और हार के भाग गया है ना, भाग गया और जान बचाने के लिए इंडस रिवर में सलाम लगा दी, सिंधु नदी में है ना। अब छलांग लगाने से पहले उसने सोचा ही नहीं कि मुझे तैरना आता है कि डूब के मर गया। तब यूपीएससी को देखो कैसे कैसे क्वेश्चन सोचते हैं कि इल्तुतमिश का कंपटीटर कौन था जो इंडस रिवर में डूब के मर गया है ना, तो बात ठीक है। तो मैंने सबसे पहला पार्ट इल्तुतमिश में ये डिस्कस किया, ये कॉन्सेप्ट के तरह मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इल्तुतमिश ने कैपिटल क्यों शिफ्ट करी, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया क्योंकि इससे प्रॉब्लम थी यालगौज से, ध्यान रखना है कुबाचा, अगर यहाँ स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी वाले डाल देंगे कि उसे कुबाचा से प्रॉब्लम थी और आप वहां से सही करके और फिर ताली बजाते हुए आ जाओगे, पता चला मुंह कैसा बना के यहाँ आगे पता चला जा। तो ध्यान रखना है प्रॉब्लम यालगौज से थी है ना, और यालगौज से क्या लड़ाई हुई आपने पढ़ी लिया, उसके बाद कुबाचा से जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हुई, कुबाचा की डिफीट हो गई एंड कुबाचा नदी में कूद पड़ा। देखो दो लोग जान बचाने के लिए नदी में कूदे, एक एक कुबाचा और दूसरा आगे कूदेगा हुमायूं, हुमायूं बच जाएगा है ना, हुमायूं बच जाएगा, ये मर गया बेचारा ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, कि राज्य की प्रतिष्ठा को, राज्य की ग्लोरी को एस्टैब्लिश करने के लिए राजा थोड़ा पावरफुल होना चाहिए है ना, राज्य की प्रतिष्ठा भी बहुत जरूरी है। आगे देखोगे कि आगे आने वाले समय में बहुत सारे रूलर्स ऐसे होंगे जो राज्य की ग्लोरी को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने अलग अलग काम किए, इसको जिस तरह से लगा इन्होंने इस तरह से राज्य की ग्लोरी को एस्टैब्लिश किया और अपनी पोस्ट को इन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया, और इसके लिए इन्होंने लॉयल बॉडीगार्ड की एक कैटेगरी बनाई है ना, जो बहुत ईमानदार होते थे, इनके अंगरक्षक होते थे, इनके सपोर्टर होते थे, उसका नाम था तुर्क ए चालीसा,
या तुर्क ए चिहल गनी, है ना। तो चिहल गनी आप ऐसे लिख सकते हो, तुर्क ए चालीसा। पहले ऐसे लिखो, मैं आपको बताता हूं लिखना क्या, या तुर्क ए चिहल गनी। तुर्क तो लिख लोगे आप इंग्लिश में, ए भी लिख लोगे, चालीसा भी लिख लोगे, हनुमान चालीसा तो आप लोग पढ़ते हैं, है ना। और चिहलगनी सी एच एच ए एल जी एन आई, चिहलगनी, है ना। चालीसा ये नाम है, यहां पर टोटल 40 मेंबर्स होते थे जब स्टार्ट हुआ था, उस समय इसमें 40 मेंबर्स थे, आगे बढ़ गए, है ना। फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेस्टीज ऑफ क्राउन, फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेस्टीज ऑफ क्राउन, क्राउन की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए ये पद क्रिएट करेंगे। राज्य की या राजा की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था तुर्क ए चालीसा या तुर्क ए चहलगनी। तर्क तुर्क क्यों, क्योंकि उसमें तुर्की ओरिजिन के लोग होते थे, इसलिए तुर्क। ए क्यों लगाया, क्योंकि अरबी लैंग्वेज उस समय इसी तरह से हम लिखते थे, आज भी इसी तरह से लिखते हैं, अरबी लैंग्वेज में कई बार हम ए वर्ड यूज करते थे, तो तुर्क ए चालीसा एंड तुर्क ए चहलगनी। ये इस तरह से काम करते थे, राजा को प्रोटेक्ट करते थे, राजा को एडवाइस देते थे, है ना। एडवाइस देना है, राजा को प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षा प्रदान करना है, राजा को सलाह देना है, इसके लिए ये पद क्रिएट इन्होंने करी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दूसरी चीज, इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, है ना, एक सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं इक्तादारी सिस्टम, इक्तादारी व्यवस्था, इक्तादारी। इक्तादारी को इंग्लिश में कहते हैं आई क्यू टी ए डी ए आर आई, इक्तादारी। ही इंट्रोड्यूस्ड इक्तादारी सिस्टम इन इंडिया, ध्यान रखना है इंडिया। ये इक्तादारी सिस्टम क्या है, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेहतर प्रशासन के लिए, बेहतर प्रशासन के लिए इन्होंने भारत में इक्तादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इक्तादारी क्या है, इक्ता क्या है, ये मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस करूंगा, है ना। ऐसे अभी छोटा सा आप ये समझ लो कि ये मान लो इल्तुतमिश का राज्य है, है ना, तो इल्तुतमिश का राज्य है तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दो पार्ट में ऐसे, है ना, एक तरफ तो पूरा बड़ा रखने दो, एक तरफ छोटा छोटा कर दो ऐसे। तो इस लैंड को हम कहेंगे खालसा लैंड, है ना। इसे अभी मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूं आपको, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में से डिस्कस करेंगे। ये जो बड़ी सी लैंड होगी, इस लैंड का सारा पैसा, जितनी भी इनकम होगी, वो केंद्रीय खजाने में जाएगी, ठीक है। और ये जो हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, इसे कहेंगे इक्ता, ठीक है। जैसे आज राज्य है ना हमारा, जैसे हमारे पास 28-29 स्टेट है, तो जो 29-28 स्टेट होंगे उनके हम क्या कहेंगे, इक्ता। तो इक्ता यहां पर क्या होगा, इक्ता होंगे राज्य को उसने अपने जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, वो जो छोटा छोटा पार्ट है वो हम क्या, उसे हम क्या कहेंगे, इक्ता। तो ये इक्तादारी सिस्टम है हमारा, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपका थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट, इनके समय में क्या हुआ है, मंगोल इन्वेजन, मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण किसने किया है, कौन है, हाँ चंगेज खान। चंगेज खान का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, चंगेज खान, चंगेज खान मंगोलिया का रहने वाला था, है ना, उसका जो ओरिजिन है वो मंगोलिया है। और उसे एक दिन दिमाग में उसके खुराफात आई कि आज कुछ तूफानी करते हैं, है ना, और वो निकल पड़ा दुनिया को जीतने के लिए, और जहां भी गया खूब तूफान मचाया उसने, है ना। तो थोड़ी बहुत बुक बुक पढ़ते हो ना आप लोग, उतनी सारी कहानी को क्लास में डिस्कस नहीं करी जा सकती है यूपीएससी के स्टैंडर्ड की। मैं कोशिश करता हूँ कि स्टैंडर्ड यूपीएससी का बना रहे, है ना, और यूपीएससी के स्टैंडर्ड को डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है, छोटे से पार्ट में हम खत्म नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है।
तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो ये हमारा मंगोलिया है ना, यहाँ पर मंगोलिया है, और ये हमारा यहाँ पर एशिया जहाँ पर आज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब छोटे छोटे राज्य हैं, है ना। वहां पर एक राज्य होता था ख्वारिज्म, जहां पर आज ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान है, वहां पर एक छोटा सा राज्य होता था ख्वारिज्म। ख्वारिज्म का जो राजा होता था उसका नाम था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पर, जलालुद्दीन मांगबरनी, है ना, उसका राजा था जलालुद्दीन मांगबरनी। कहां का राजा है? ख्वारिज्म का राजा है जलालुद्दीन मांगबरनी। तो ये ऐसे जो है ना मंगोलिया में ऐसे घूमता हुआ आया, ठीक है, ऐसे घूमता हुआ आया, आज बन हुआ इधर निकल गए, आज बन हुआ इधर निकल गए, तो ऐसे घूमता हुआ और ख्वारिज्म पे अटैक किया। ये जो जलालुद्दीन मांगबरनी है ये यहां से भाग गया और भाग के आ गया इल्तुतमिश के पास, है ना, ये यहां से आ गया इल्तुतमिश के पास, और इल्तुतमिश से इसने शेल्टर मांगी, शरण मांगी, है ना, इसने इल्तुतमिश से शेल्टर, शरण मांगी। अब देखो ये है हमारा इंडस रिवर, है ना, ये इंडस रिवर है हमारी। अब ये चुपके से ये आके यहां पर, ये आके यहां पर चुपके से इस पार की तरफ बैठा हुआ है ना, यहां पर बैठा हुआ है, इल्तुतमिश से इसने शेल्टर मांगी कि हमें शरण दे दो। इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे कोई शरण मांगता है तो आपको शरण देनी है, भाईचारा देना, शरण मांगता है तो मतलब आप थोड़ी सी दया दिखा उसके ऊपर। अब इसके पीछे पीछे ये सांप की तरह चलता हुआ ये भी यहां आ गया, है ना, ये इधर बैठा हुआ है, ठीक है, एक इंडस रिवर के दूसरी साइड में, एक इंडस रिवर के दूसरी साइड में बैठा हुआ इंतजार कर रहा है ये इल्तुतमिश महाराज क्या करते हैं, है ना। तो इल्तुतमिश ने बहुत सोचा होगा, भाई साहब ये सांप की तरह चलता हुआ इधर आएगा, मेरा राज्य तो गया, है ना। तो यहां पर अब क्या है, एक तरफ देखो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट, भाईचारा का कॉन्सेप्ट, एक राजा जो भाई है उसका वो आ रहा है उससे शरण मांगने के लिए, शेल्टर, दो चीजें, एक तो ब्रदरहुड इस्लाम, इस्लाम में भाईचारा, और दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, शेल्टर मांग रहा है, शरण मांग रहा है। तो ये दोनों वजह से इल्तुतमिश को इसे फेवर करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो खतरनाक योद्धा बैठा हुआ है चंगेज खान। इल्तुतमिश ने यहां पर इस्लाम से साइड लाइन किया उसने, और एक डिप्लोमेटिक आंसर किया उसने जलालुद्दीन मांगबरनी को कि दिल्ली की क्लाइमेटिक कंडीशन आपके लिए फेवरेबल नहीं है, ना, डिप्लोमेटिक आंसर, डायरेक्ट मना करना है, नहीं करेंगे। कई बार आप होता है ना, आप लोगों में भी किसी को मना नहीं कर पा रहे, कुछ जुगाड़, आज तबियत खराब है, जाने का मन नहीं है, आज तबियत खराब है ना, इसे क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक आंसर। तो दिल्ली की क्लाइमेटिक कंडीशन आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो क्या हुआ, बेचारा यहां से कहीं और भाग गया, बाद में मर गया कहीं और घूमते घूमते। और जो चंगेज खान है उसे पता नहीं क्या उसको सद्बुद्धि आई कि वो भी यहां से सांप की गति से लौटता हुआ कहीं और चला गया। तो ये हमारा जो मंगोल इन्वेजन है, मंगोल इन्वेजन का इस तरह से डिप्लोमेटिक मेथड से इल्तुतमिश ने उसका सॉल्यूशन किया। तो इसमें वो सारी कहानी मैंने आपको बता दी कि कहीं किसी चीज की जरूरत हो जाए, सेंट्रल एशिया में राज्य है ख्वारिज्म, वहां का राजा है जलालुद्दीन मांगबरनी, उसने इल्तुतमिश से शेल्टर मांगी, इल्तुतमिश ने डिप्लोमेटिक तरीके से डिनाई किया, और फिर मंगोल इन्वेजन से उसने दिल्ली को सेफ रखा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये कहानी हमारी है 1226। नेक्स्ट, इसे दिल्ली सल्तनत का पहला वैलिड किंग माना गया है, प्रथम वैध सुल्तान, फर्स्ट वैलिड किंग, वैध सुल्तान, वैध सुल्तान, फर्स्ट वैलिड किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का पहला वैध सुल्तान। क्यों कहा गया, क्योंकि आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने एक दिन डिस्कस किया था एक बंदे के बारे में, एक पोस्ट के बारे में जिसका नाम था खलीफा, है ना।
तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक बंदा था जिसका नाम था महमूद गजनी। महमूद गजनी ने क्या कह दिया था, जा मैं तेरी बात नहीं मानता। तो वो पहला सुल्तान है ना जिसने खलीफा की अथॉरिटी को इग्नोर कर दिया, डिनाई कर दिया है ना। उसके बाद से कई सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने खलीफा की अथॉरिटी को डिनाई कर दिया। अब खलीफा बैठा हुआ सोच रहा है ये सारे लोग तो अपनी मर्जी से हमारी अथॉरिटी को डिनाई कर रहे हैं, अब खलीफा क्या करेगा भाई, लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो खलीफा ने क्या किया, एक लेटर लिख के भेजा, ठीक है मैं आपको राजा मान लेता हूं है ना। तो उन्होंने ऐसा लेटर इल्तुतमिश को भी भेजा जिसे हम कहते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। खलीफा ने उसे सुल्तान एक्सेप्ट कर दिया, कर लिया सुल्तान, मान लिया। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम उसे दिल्ली सल्तनत का पहला वैलिड कहते हैं, ठीक है, वैलिड किंग, बिकॉज खलीफा एक्सेप्टेड हिज अथॉरिटी या हिज सोवरेनिटी, सर्वोच्चता को खलीफा ने स्वीकार कर लिया, इस वजह से हम उसे दिल्ली सल्तनत का पहला वैध सुल्तान। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट कुछ कंस्ट्रक्शन भी इसके नाम है ना, कुछ कंस्ट्रक्शन जैसे कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसमें कंप्लीट करवाया है ना, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन। ऐसे कुतुब मीनार में एक फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, मर गया है ना, अचानक बढ़ गया एक दिन, पता नहीं था हम लोग को, इसने दूसरा और तीसरा फ्लोर बनवाया, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर है ना। तो ये कंप्लीट करवाया काम, बाद में क्या होगा आगे, ये टूट जाएगा, ऐसे एक दिन बिजली गिर गई इसपे और ये टूट गया, तो फिर आएगा फिरोज शाह तुगलक, वो क्या करेगा थर्ड फोर्थ है ना, स्टेप बाय स्टेप काम हुआ है। लेकिन अभी हमें ये लिखना है कि ही कंप्लीटेड कुतुब मीनार एंड कंस्ट्रक्टेड सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर। तो एक तो हमारा कुतुब मीनार है, दूसरा बदायूं में एक मस्जिद, मॉस्क इन बदायूं, जब वो बदायूं में था तो बदायूं में उसने एक मस्जिद बनवाई थी, हाँ जामा मस्जिद भी कहते हैं उसे, जामा या जामी मस्जिद। थर्ड उसे फादर ऑफ टॉम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, मकबरा निर्माण का पिता, इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण का पिता, फादर ऑफ टॉम कंस्ट्रक्शन, बिकॉज क्यों, क्योंकि भारत के अंदर पहला मकबरा उसी ने बनवाया, फादर ऑफ टॉम कंस्ट्रक्शन, मकबरा निर्माण का पिता, मकबरा निर्माण का पिता, पहला मकबरा भारत में, जिसे क्या नाम दिया गया, उस जगह का नाम है सुल्तान गढ़ी, सुल्तान गढ़ी किसके लिए बनवाया, अपने लिए, अपने सन के लिए बनवाया, पहला मकबरा उसने अपने पुत्र के लिए बनवाया, उसके पुत्र की डेथ हो गई थी। मैं ऐसे दूर था यहां है ना, और ये बोतल की इमेज उसमें बन रही थी, मैंने कौन किसी भगवान ड्रेस खा रहा, तो उसने अपने पुत्र के लिए मकबरा बनाया जो भारत में बनाया गया पहला मकबरा है, जिसे हम कहते हैं सुल्तान गढ़ी, वहां पर फिर उसने अपने लिए भी बनवाया, अपने लिए भी मकबरा उसने बनवाया। नेक्स्ट उसकी विक्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसकी विक्ट्री जो थी, उसने कुछ थोड़ी बहुत विक्ट्री भी की थी भारत के अंदर, उसकी जो लास्ट विक्ट्री थी वो थी बामियान की विक्ट्री, बामियान अफगानिस्तान में है
है ना, उसकी जो लास्ट विक्ट्री थी, अंतिम विजय बामियान की विजय। अंतिम जो विजय थी BAMIYAN बामियान, नेक्स्ट उसने दो क्वाइन इंट्रोड्यूस किए, दो नए सिक्के चलाए, दो क्वाइन इंट्रोड्यूस किए, टंका एंड जीतल, टंका एंड जीतल, दो क्वाइन उसने इंट्रोड्यूस किए, टंका एंड जीतल। टंका जो है वो क्या है, सिल्वर क्वाइन, चांदी का, एंड जीतल क्या है, कॉपर क्वाइन। टंका एंड जीतल, नेक्स्ट उसके कोर्ट में जो उसके कोर्ट पोएट थे उनका नाम था मिन्हाज सिराज, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है ना, अभी हमने मिन्हाज सिराज के बारे में पढ़ा है ना कि उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम कहा था, तो वो इन्हीं के कोर्ट पोएट थे है ना, तो मिन्हाज सिराज वॉज हिज कोर्ट पोएट, राजकीय कवि या राजकीय इतिहासकार, कोर्ट हिस्टोरियन, राजकीय इतिहासकार। तबकाते नासरी उन्होंने ही लिखी थी है ना, मिन्हाज उस सिराज। मिन्हाज उस सिराज कभी शॉर्ट फॉर्म में सिराज भी लिखा जाता है, है ना, शॉर्ट फॉर्म में हम उन्हें सिराज भी लिखते हैं, और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, बुक का नाम कुछ खतरनाक सा नाम है ना, इतना खतरनाक नाम क्यों रखते हैं, तबकात ए पी ए बी क्यू ए बी, टाइम मशीन अगर कभी बन जाए उस पर बैठ के हम सब पीछे की तरफ चलेंगे चलेंगे है ना, आईने से जाके बोलेंगे अबे नाम छोटा रख, आगे हमें बहुत दिक्कत हो रही है ना पढ़ने में। तबकात ए नासिरी, ठीक है, बस मर गए एक दिन अचानक, ठीक है, लड़ाई वड़ाई में नहीं मरे, बस ये मान लो मर गए। फिर इनका मानना था कि इनके जो सन हैं, इनके जो पुत्र हैं वो नालायक हैं, है ना, जैसे हम सब पुत्र नालायक होते हैं वैसे उनके भी पुत्र नालायक थे, तो इनका कहना था कि पुत्र तो नालायक हैं, एक काम करो अपनी पुत्री को राजा डिक्लेयर कर दो। इनकी पुत्री जो थी उसका नाम क्या था, रजिया। वाह, आप सब दिल्ली यहाँ खुद ही विद्वान बैठे पड़े है ना, उस बीच में मेरा क्या। तो रजिया को बनना था राजा, लेकिन वो फंस गई गुंडों में है ना, तो वो बन नहीं पाई राजा, उसे जो पुरुष प्रधान समाज जो था, एक तो पुरुष प्रधान समाज, दूसरा मुस्लिम सोसाइटी ऐसी थी उसमें वुमेन को बहुत इस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था, तो उसमें रजिया को रोक दिया गया कि भाई तू राजा रानी नहीं बन सकती है, बैठ अभी घर में कुछ काम वाम कर, बर्तन वर्तन साफ कर, है ना, ये कह के उसे बिठा दिया गया घर में। और इल्तुतमिश का एक बकलोल सा पुत्र है ना, नाम क्या है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह है ना, रुकनुद्दीन फिरोज अगला किंग बना, ठीक है, कुछ था रुको अभी देखने याद करने दो, शाह तुर्कान, उसकी मदर का नाम था शाह तुर्कान,
ऐसे क्वेश्चन मैं ऐसे गया था ना अभी यहाँ आपके यहाँ आने से पहले इंटरव्यू हुए थे उधर, है ना, तो मैंने से पूछा कालिदास की 4-5 बुक बताओ। मैंने कहा भाई यार उनको लगा याद नहीं है, फिर थोड़ा सा बाल ऐसे करने के बाद ना, ये ट्रिक है एक, बाल थोड़ा ऐसे ऐसे करो चीजें याद आ जाती है ना। तो ऐसे कई बार आप करके देखना ऐसे थोड़ा सा, भले कोई ये समझ दे आपके बाल में जुए हैं तो उनसे परवाह नहीं करनी चाहिए। साधु का एक बार क्वेश्चन किसी जगह पर किसी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि रुकनुद्दीन जो फिरोज था उसकी जो उसके फैसले होते थे वो फैसले वो ना लेकर उसकी मदर लेती थी, है ना, जिनका नाम था शाह तुर्कान। तो ये किसी पीसीएस में पीसीएस वाले इस तरह के क्वेश्चन में, है ना, वो पूछ जाते हैं, तो फिर ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी है, हमें फिरोज शाह के बारे में हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई भी इम्पोर्टेंट काम उन्होंने किया है, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ेंगे, रुकनुद्दीन फिरोज को हम नहीं पढ़ेंगे। अब एक दिन रजिया, है ना, एक दिन रजिया लाल कपड़े पहन के ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सीरियस ऐसे उस समय क्या था ना, किसी को अगर न्याय चाहिए होते थे, जस्टिस अगर किसी को चाहिए होती थी तो वो लाल कपड़े पहन लेता था। लाल कपड़े का मतलब है कि उसे न्याय चाहिए, उसे जस्टिस चाहिए, तो वो लाल कपड़े पहन के दिल्ली में, दिल्ली के जो नोबल्स थे, जो अमीर थे, उनके पास वो ऐसे ही है ना गई और उनको उसने अपील करी कि मेरे फादर ने मुझे इलेक्ट किया था किंग और मैं किंग नहीं बन पाई, तो जैसे वो जो राजा बना हुआ है वो बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहा है। तो मैंने ऐसा फील किया अपनी लाइफ में कि दिल्ली के जो लोग थे वो दो ही बार सो के उठे, एक जब रजिया को राजा बनाना था तब, और दूसरा जब अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाना था, है ना, वो दो ही बार सो के उठता है। जो भी है, तो दिल्ली के लोगों ने दोनों माँ बेटों को मार दिया, है ना। दिल्ली की ध्यान रखना है सब्जेक्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता ने दोनों माँ बेटों को मार दिया एंड रजिया को उन्होंने राजा बनाया। तो नेक्स्ट किंग है रजिया। अब रजिया के बारे में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है ना, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। इतना तो, इतनी कहानी तो आप लोग पता ही, आप लोग पढ़ ही लेते हो, और उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा चीज की जरूरत नहीं है कि वो दिल्ली, दिल्ली की या दिल्ली और मुगल सबको मिला दो तो भारत की एक वुमेन किंग है ना, तो ये तो कहानी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये तो आप लोग कई बार, आप लोगों ने एसएससी का एग्जाम दिया होगा या आगे भी दोगे, तो जहां पे पहली महिला शासिका, अबे पहली तो अंतिम कौन है ना, वही है। तो एक तो ये कहानी आपको पता ही है। अब दूसरी दोस्त जो यूपीएससी के लिए इंपोर्टेंट है, वो दो तीन चीजें यूपीएससी के लिए इंपोर्टेंट है कि जो रजिया थी, रजिया के बारे में कहा जाता है कि वो पुरुषों के कपड़े में कोर्ट में आ जाती थी, है ना, पुरुषों के कपड़े पहन लेती थी और ऐसे जैसे वुमेन के अंदर क्या था कि बुर्का या ये सारी चीजें थी वो ऐसे लगाती नहीं थी, बुर्का वैसे ही आ जाती थी कोर्ट में ना, ये सारी चीज जो थी वो जो नोबल्स थे, जो अमीर थे, यहाँ पर एक वर्ड मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नोबल्स अमीर है ना, नोबल्स मुस्लिम उस समय के समाज में वो कोई भी पर्सन जो किंग को या क्राउन को इन्फ्लुएंस करता था, प्रभावित करता था, वो अमीर कहलाते थे। अमीर कौन था? जिसका क्राउन के ऊपर प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, प्रभाव जिसका क्राउन के ऊपर था वो अमीर थे। तो अमीर बहुत शक्तिशाली होते थे, है ना। तो जो वहां के लोगों ने तो राजा बना दिया, अब लोग क्या होते हैं ना, लोग राजा बना के सो जाते हैं, मजा आ गया, आज एक आज कुछ तूफानी करते हैं, राजा बना दिया, फिर मस्त अपने घर में जाके सो गए, पान खा रहे हैं, मुजरा देख रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, इस तरह से कर रहे हैं। अब यहां पे क्या हुआ, अमीरों को अपना काम करने का मौका मिल गया, तो रजिया के अगेंस्ट कई सारे लोगों ने रिवोल्ट किया, है ना, यहां ध्यान रखना है। सबसे पहला रिवोल्ट ग्वालियर का गवर्नर था, इसका नाम था जुनैदी,
सबसे पहला रिवोल्ट ग्वालियर के गवर्नर जुनैदी ने किया, इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, ग्वालियर का गवर्नर, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ग्वालियर का गवर्नर जुनैदी ने उसने रिवोल्ट किया, इस रिवोल्ट को रजिया ने ऐसी इजीली सप्रेस कर दिया, दबा दिया। फिर कई सारे लोग रिवोल्ट करने लगे, कई सारे लोग रिवोल्ट करने लगे, और इन सारे जो रिवोल्ट करने वाले हैं, जो सारे नालायक हैं, उन नालायकों का जो सरदार था, है ना, वो सारे जो नालायक थे उनका जो सरदार था उनका नाम बहुत ही खतरनाक था। क्या था? हाँ? नहीं, वो तो बाद में आएगा, वो बाद में आएगा, अभी कुछ समय के बाद। हाँ जी, इन सारे नालायकों का जो हेड था उसका नाम था इख्तियारुद्दीन ऐतिकीन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद रजिया की जब डेथ हो जाएगी तो जो नेक्स्ट पर्सन बनेंगे उस पर्सन के समय में एक पोस्ट क्रिएट करी जाएगी, नायब ए मामलिकात की पोस्ट, और उस पोस्ट पर अपॉइंट होने वाला ये पहला बंदा होगा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, लिख लो, इख्तियारुद्दीन ऐतिकीन, आई KHTIYARUDDIN ATIGIN ATIGIN was the leader of खत्म टाइम, बस एक लाइन खत्म कर दो, एक दो लाइन। अब खत्म कर दो, यहाँ पता चला हमें बंद करके चले गए, ठीक है, तो कहानी को हम खत्म कर देते हैं और फिर अगले दिन कभी मिले अगर आपसे तो इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे।